अपन को विली आती नहीं है, देखते एक बार ट्राई करके कैसे मारते हैं, मेरे को मालूम नहीं है। उठ रही है, उठ रही है, उठ रही है, उठ रही है, उठ रही है। नहीं उठ रही रे। अच्छा भाई लोग, अपने बाइक में आने वाला है बहुत बड़ा खर्चा, क्योंकि अपनी बाइक अभी थोड़ी सी मिसिंग वगैरह कर रही है। सो हेलो भाई लोग, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज एक नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। सो आज हम जा रहे हैं ना अपनी बाइक की थोड़ी सी एक टेस्ट राइड लेने, क्योंकि बाइक में आ गया है अपने बहुत बड़ा प्रॉब्लम। अब वो प्रॉब्लम क्या है वो आपको आगे चलते चलते मैं बताता हूँ। ये गाड़ी स्टार्ट हुआ, बट जैसे ही मैं इसको थ्रोटल देता हूँ ना तो ये मिसिंग करती है गाड़ी। देखो आपको दिखाता हूँ, न्यूट्रल हो जा। देखो अभी है फुल थ्रॉटल, ये देखो। एक्चुअली मिसिंग कर रही है गाड़ी। थोड़ा सा आगे आगे अपन चेक करते हैं इसका एक्चुअल में क्या क्या और दूसरा कुछ प्रॉब्लम है क्या। इसका पिकअप चेक कर, मतलब जो गाड़ी को भागना चाहिए वैसी भाग नहीं रही है, क्योंकि उसको पेट्रोल ढंग से मिल नहीं रहा है मेरे को लगता है ऐसे ही। क्योंकि दो चार दिन पहले ना मैंने इसका जो फ्यूल पंप है वो निकाल के उसका फ्यूल फिल्टर वगैरह साफ़ किया था, तो एक्चुअली थोड़ा बहुत ये अभी चल भी रही है। क्योंकि इससे पहले गाड़ी आगे भी नहीं चल रही थी, मतलब जैसे कि क्लच छोड़ दिया गाड़ी तुरंत बंद हो जाती थी, तो मतलब बहुत प्रॉब्लम आ रहा था मेरे को। सो आज वही चेक करने हम लोग जा रहे हैं। चेक करने कोई और नहीं आएगा, हम ही लोग चेक करेंगे इसको। थोड़ा सा पेट्रोल वगैरह भी डाल के चेक करेंगे, पेट्रोल भी डाल के लेके आएंगे। तो टेस्ट करते करते हम लोग जाएंगे वड़खल, फिर वहाँ से रिटर्न आ जाएंगे। स्टार्टिंग में मेरे को इसका टोटल बॉडी क्लीन करना पड़ेगा, जो भी फ्यूल फिल्टर है वो भी नया डालना पड़ेगा, तो वो सब चेंज करके मैं देखूँगा। उसके बाद अगर बाइक के पिकअप में प्रॉब्लम होगा तो हम क्लच प्लेट खोल देंगे, उससे पहले क्लच प्लेट को हाथ नहीं लगाएंगे। ये देखो, मतलब पिकअप लिया ना, ये देखो बाइक रुक रही है, रुक रही है। जैसे कुछ तो इधर कांड हुआ है, देखते हैं क्या कांड हुआ है, कांड हुआ है या खड्डे में कुछ उटर पटर हो गया है इसका, पता नहीं क्या हो गया। आज का ये स्पेशल ब्लॉग है, मतलब ये ब्लॉग का नाम रहेगा अपना स्पेशल चड्डी ब्लॉग, क्योंकि अपन लोग आए चड्डी विड्डी पहन के ब्लॉग बनाने। सो देखते हैं, देखो ये बाइक भागाने पे ना भागती भी नहीं है ज़्यादा, मतलब जो इसको भागना चाहिए वैसे तो नहीं भाग रही है। क्योंकि मेरे को लगता है इसका थ्रॉटल बॉडी क्लीन करना पड़ेगा, मतलब वही एक मेरे पास ऑप्शन बचा है। तो भाई लोग क्या है कि फ्यूल पंप डालने जाऊँ तो फ्यूल पंप इसका है कुछ 15,000 का। डालने से पहले फिर मेरे को ये सब चेक करना पड़ेगा कि थ्रॉटल बॉडी क्लीन वगैरह करके सब कुछ चेंज करके फिर चेक करना पड़ेगा कि सेम प्रॉब्लम आ रहा है या नहीं। देखो
साहिल वाला इतना भागा रहा है कि अपने भाग नहीं रही है। मतलब बाइक भागने का नाम नहीं ले रही है। अब तक बाइक 120 क्रॉस कर देती थी, लेकिन अब भी साल आ गया है 1991 पे अटकी रही है। ये देखो अटक रही है, पूरा फील हो रही है बाइक को ना, प्रॉपर पेट्रोल नहीं मिल रहा है इसकी वजह से बाइक पूरा अटक रही है, अटक अटक के चल रही है बाइक। भाई लोग ना ऐसे बाइक चलाने के लिए मज़ा नहीं आ रहा है, क्योंकि यार इसके पास अगर CBR रहेगी तो उस बंदे को मालूम रहेगा कि ये बाइक का पिकअप वगैरह क्या है और इसको चलाने के लिए कैसा मज़ा आता है। बट अभी फ़िलहाल तो मुझे मज़ा नहीं आ रहा है, क्योंकि भाई आप एक बार देखो, ये देखो दिया थ्रोटल, बहुत स्लो स्लो जा रही है। मतलब मेरे को मालूम है, इससे पहले मैं कभी ऐसे ट्राई किया था ना, तो थर्ड गियर पे पूरा रेव करने पे ना गाड़ी 120 110 के ऊपर टच कर देती थी। मतलब अभी ये जो 91 पे जाके अटक रही है ना, ये इससे पहले 110 120 टच कर देती थी, बट ये अभी नहीं कर रही है। प्रॉब्लम अभी हम लोग ना इधर वड़कल तो आ गए, अभी वड़कल में थोड़ा सा पेट्रोल भरा के वापस रिटर्न चले जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा कुछ यहाँ पे करना है नहीं। पेट्रोल आए ना, पेट्रोल नॉर्मल कसा है। सो भाई लोग पेट्रोल डाल के हम लोग निकल चुके हैं, थोड़ा सा पेट्रोल प्रॉब्लम अपना फाइनल हो चुका है कि थ्रोटल बॉडी वगैरह क्लीन करेंगे और फिर फ्यूल फिल्टर चेंज करके एक बार वापस देख लेंगे हम लोग। शायद से मुझे लगता है ये प्रॉब्लम जाना चाहिए, जाना मतलब 99% ये प्रॉब्लम निकल जाना चाहिए। और एक भाई लोग आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर आपके भी पास ऐसी कोई बाइक है और उसका कोई पार्ट हेवी है, उसका हेवी मतलब उसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा है, तो भाई लोग ऐसे पार्ट डालने से पहले ना एक अच्छे मैकेनिक से गाड़ी दिखा के ना, दूसरा कुछ प्रॉब्लम है और नहीं है सो वो पहले चेक कर लीजिए, देन उसके बाद आप पार्ट अगर आपको डालना है तो डाल दीजिए। क्योंकि लास्ट टाइम क्या हुआ था, मेरे बाइक का ना ये रेडिएटर ख़राब हो गया था। सो रेडिएटर मतलब रेडिएटर पूरा रेडिएटर में से कूलेंट बाहर लीक कर रहा था, तो मैंने शोरूम में फ़ोन करके पूछा तो उन्होंने बताया कि नए रेडिएटर का प्राइस समथिंग कुछ 8,000। तो पूछा कि अगर ये रेडिएटर रिपेयर नहीं हो सकता क्या, तो वो लोग बोले कि अगर मैंने रिपेयर करने के लिए छोड़ा तो आपको बाइक का एक 2-4 दिन के लिए छोड़ के जाना पड़ेगा और उसके लिए 3,000 रुपया खर्चा आएगा। तो मैंने उधर किया नहीं, मैं ये रेडिएटर खोल के लेके गया था, अपना जो नॉर्मल रेडिएटर वाले जो होते हैं ना उनके पास लेके गया था और उनके पास से सही करवाया था ये रेडिएटर। सो आपने वो वीडियो देखा नहीं होगा ना, तो ऊपर आई बटन में आपको वो लिंक मिल जाएगा, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में मैं वो लिंक डाल दूँगा, आप वो एक बार ब्लॉग चेक कर लो। क्योंकि उसमें मैंने वो काम किया रेडिएटर वाले के पास। भाई अपना गाड़ी क्यों बंद हो गया, तो वो मैंने काम अपना रेडिएटर वाले के पास किया ना, तो वो मेरा 500 रुपये में हो गया। मतलब 500 रुपये में अभी तक, अभी ये बाइक चला रहा हूँ अभी तक ये एकदम बिल्कुल मतलब उस चीज़ को हुआ होगा, 1.5 साल हो गया होगा, बट अभी तक कुछ प्रॉब्लम नहीं आया, एकदम टकाटक चल रहा है। सो मतलब नहीं नया डालने का, जब 500 रुपये में बन जा रहा है तो 8,000 क्यों अपने वेस्ट करने। सो इसीलिए भाई लोग कभी कुछ कराना रहेगा ना बड़ा बड़ा काम, तो एक बार बाइक अच्छे से चेक करो, अच्छे मैकेनिक को दिखाओ और फिर अपना जो है काम करना है वो करो।
अभी मेरे को इतनी दिक्कत होती है कि ये बाइक मैं लेके जाता हूँ कहीं काम कराने के लिए ना, तो लोकल मैकेनिक बोल देते कि भाई इसका नहीं काम होएगा, क्योंकि वो लोग इसमें हाथ नहीं डालना चाहते, क्योंकि नॉर्मल काम के लिए ये फाइबर खोलो कुछ भी करना है फाइबर खोलो, तो उसमें उन लोग का दूसरा गाड़ी हो जाता है, तो ये क्यों लेंगे वो लोग 100-200 रुपये के लिए ये गाड़ी क्यों खोलते बैठेंगे। तो बहुत प्रॉब्लम आता है मेरे को भी, मेरे को शोरूम के अलावा कुछ दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, तो शोरूम जाना। जो भी अपने चैनल पे नए लोग हैं भाई लोग सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमको बहुत कुछ दे जाता है। सो सब्सक्राइब करना, और लोग देख रहे होंगे साला ये कौन सा मोटो व्लॉगर है, ऊपर हेलमेट उस पे कैमरा और नीचे चड्डी पहन के आ गया, चड्डी वाला मोटो व्लॉगर। ना बंटी ना, अभी भी अटक रही है। देखो नहीं, जो पिकअप इसको मिलना चाहिए ना वो नहीं मिल रहा है। ये लोग कौन सी रेस रखा है भाई, ड्रैग रेस चालू है लगता है इन लोग का। सो भाई लोग, यही था अपना आज का ब्लॉग। में अभी मैं घर पे भी पहुंच जाऊंगा। सो आज के ब्लॉग में इतना ही, जो भी था हमने चेक कर लिया, अब जो भी करना है शोरूम जाके करेंगे, और जो भी करेंगे आपको ज़रूर से दिखाऊंगा, उसके लिए अलग से एक ब्लॉग बनाऊंगा, उसमें आपको ज़रूर से सब कुछ दिखाऊंगा ब्लॉग में, गाड़ी में अगर कुछ मैं काम करता हूँ। तो मिलते हैं भाई लोग नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए सेफ राइड, टेक केयर, बाय बाय।